हुजूर की विलादत का महीना है, खुशियों का महीना है, इस पर इंशाल्लाह बात करेंगे। मगर मैं सिर्फ इतना जरूरत करूंगा कि खुशियां मनाएं, अकीदत करें, मोहब्बत करें, हुजूर का जिक्र करें, ज्यादा से ज्यादा दुरूद सलाम पढ़ें, माहौल का इस्तेमाल करें, मगर रस्मी चीजों से निकलें। बुजुर्गों ने कहा कि हुजूर के जिक्र का भी वही अदब है जो हुजूर की अपनी जाती मजलिस का जिक्र अदब है, यानी जहां हुजूर खुद तशरीफ फरमाए। अब हुजूर तशरीफ फरमा हो तो आप खुद सोच लीजिए कि हुजूर बैठे हो और मैंने और आपने आपने आपके क्या क्या पाबंदी लगा ली है, आपका ईमान आपको खुद बता देगा। मैं तफसील करना चाहता हूं। और जो मीलाद में खुशी मनाते हैं, अल्लाह वाकिया ये भी पक्की बात है, वो कहते हैं महबूब की माफल को महबूब सजाते हैं, आते वो लीजिए को सरकार बुलाते हैं। मगर ये नाचना जब वो पड़ता है ना यही शेर, आते वो लीजिए को सरकार बुलाते हैं, मगर टाइम लेते वक्त कहता था 5,000 रुपए में जायज कैश करवाते हैं 15,000। इसका मतलब आपको सरकार के नहीं बुलाया, आपको चोरी साहब के छनकार लोगों को छनकार में बुलाया। हाँ जी, आपको इसने बुलाया और सरकार के लिए आने वालों का अंदाज हो रहा। तो मेरी आपसे गुजारिश है, जमा हम आए असल में खोलने वाले, हम हुजूर के नाम से माल भी खर्च कर देते हैं, असल में गर्दन भी ले देते हैं। नहीं, इश्क जो ना इश्क वो सारे आदाब सिखाता है, लुटीजना भी नहीं है, और किसी की बात से फायदा भी नहीं होना। वो जो बाहर बैठने वाला डड्डू है ना, उनसे भी परेशान होना। वो जो कमरे बाहर बैठे काय काय कर रहे हैं मिलाद के बारे में, उनसे भी नहीं परेशान होना। मगर ये जो लशपश करके मेकअप करके रंग बिरंगे कपड़े पहन के अजीब व गरीब किस्म के इमामे पहन के चमक छल्लो बन के आगे बैठे ना मीटिंग के आज, इनसे नतीजना भी नहीं। ये चमक छल्लो है, ये नाचना नहीं है, इनसे बचना भी जरूरी है। सही आज के रसूल वो है जो महफिल मिलाद को हुजूर के पैगाम की शाद का जरिया बनाता है। हुजूर के मिलाद की रात सारी सारी रात महफिल हो, कोई एक बच्चे के दिल के अंदर नमाज का दर्द ना हो, किसी एक आदमी को भी वालदैन के अंदर कुरान का पता ना चले, हलाल और हराम की तमीज का पता ना चले, तो इसका मतलब यह कि यह महफिल मिलाद अपनी शौरी सतह पर नहीं करा। मैं फिर मिलाद हो सुभान अल्लाह, वहां अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत से सीधे जगमगाए ना, ये कैसे हो सकता है। मगर उसी वक्त होगा जब इन प्रोफेशनल लोगों से बचकर इखलास और इलाहियत और सादगी के साथ आप अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करेंगे। चंद चीजें इस सिलसिले में मैं तमाम अरबाब हूं। एक तो अवामी बुजुर्गों को मजबूर कहीं थोड़े टाइम के लिए बंद करें, ज्यादा बंद ना करें, अवामी बुजुर्गों को बंद ना करें, लोगों को गुजरने एक एक कांटा कांटा उठा देना कि लोग गुजर जाए। आप जानते कितना बड़ा सदका है, चार मिनट के गलियां बाजार बंद न करें, ना तो फिल्मी गानों की तरफ भरना पड़े, मशहूर फिल्मी गाने हो रहे उनकी तरफ पर ना फौरी रोक दे। ये सिर्फ मौलवी साहब का काम नहीं है। हाँ, मैं ये नहीं कहता कब लड़े गाने, हर जाकर गैर मुआतला गोर पड़े, ये ना पढ़ गाने वाला, ये ना पढ़ माफल में अपनी बिजली इस्तेमाल करें। मैं अगली बात नहीं कह पा, ऑर्गेनाइजर जितने हैं माफल करवाने वाले वो किसी सुखा आलम गीत से पूछ लें कि जनाब मैंने हुजूर का जिक्र करना है, आदाब क्या है, कैसे करवाऊं, सवाब बढ़ जाएगा। माफल का दुरानिया कम रखें, कम से कम माफल का दुरानिया रखें, सारी सारी रात माफल सुबह नमाज से छुट्टी वाला काम ना करें। औरतों को माफल में सरेआम ना आने दें, इंतहाई पर्दे वाले रास्ते से आए, पर्दे में बैठे और पर्दे से ही वापस, और औरतों की माफल में बाजारों में ना करवाएं, घरों में करवाओ, सिर्फ औरतों की माफल। औरतें मोहर के अंदर ना पड़े कि रात रात लोग इनके इनकी इनकी आवाजें उनके कानों में पड़े, हराम हराम शरीयत ने मना किया। जो औलाद का लिखा हुआ कलाम है लोगों को पढ़ने दें, जैद उलमा का बड़े अच्छे शोरा का कलाम पड़े। इस तरह जितना मुमकिन हो सकता है खराब बात से बचे। माफल में एक बड़ी हिफाजत की तारी होना, मैं किसी की नीयत पर शक नहीं करता, कोशिश करें कि इनकी अच्छा। एक तरफ ये भी है कि ये पैसे भी मारना लगे, मगर जो ऑर्गेनाइजर है उनसे भी गुजारिश है कि अगर किसी आलिम से नाज खां से नकीब से इस तरह लोगों को आपने बिठाया है, इनको खाना खिलाएं,
हुजूर के नाम पर इनकी खिदमत भी करे, उनका मांगना ठीक नहीं है, इसका ना देना भी ठीक नहीं है। ये भी दे अल्लाह की रजा के लिए जो खिदमत करे, और उसमें लोग शामिल नहीं रहे। ये चंद एक चीजें हैं, अगर आप ये इसका एहतमाम करके आप माफी मिलाद मनाए, यकीन करें मिलाद से बड़ी कोई खुशी नहीं, इससे बड़ा कोई बरकत वाला काम ही नहीं है। जो अर्ज किया।